रेडी स्टार्ट। मुलायम सिंह उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता रहे हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नज़र आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समूह के सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख अनुयायी थे तथा उन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान किया। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। उत्तर प्रदेश के सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी कहा जाता है। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया था। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा की सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए थे। विधायक का चुनाव सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधान परिषद में मनोनीत करवाया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था रही है। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनवरत संघर्ष जारी रहा है। उन्होंने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड
और नेपाल आदि देशों की यात्राएं की हैं। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के किसी भी जनसभा में कम से कम 50 लोगों को नाम लेकर मंच पर बुला लेते थे। समाजवादी के फ्रांसीसी पुरोधा की अभिजातीय वर्गीय पृष्ठभूमि के विपरीत उनका भारतीय संस्करण केंद्रीय भारत के निपट गांव रहे सैफई से अखाड़े में तैयार हुआ है। वहां उन्होंने पहलवानी के साथ ही राजनीति के पैतरे भी सीखे। ब्रह्म